लड़कियां कितनी आई हैं विराट को देखने जो आई हैं? हिंदुस्तान की सब लड़कियां, बच्ची बूढ़ी जवान, चॉकलेट वॉकलेट लेके सिर्फ विराट कोहली को देखती हैं। कोहली 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 इनको ना क्या इनको शाम को देखते हैं। अभी देख लो शाम को, आपको सही नजर नहीं आता। अरे जो सच है शाम को सामने आ जाएगा, शाम को मिलते हैं। अब मिलते हैं फिर मिल रहे हैं। You know, Virat, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ। जब आप बैटिंग करते हैं ना, तो मैं बोल्ड हो जाती हूँ। जब मैं फील्डिंग करता हूँ? जब आप फील्डिंग करते हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं बॉल बन जाऊँ और आप मुझे कैच कर लें। सर सर, धोनी सर का फोन आ रहा है। उनको बोलो मैं 10 मिनट में करता हूँ। ओके सर। पता है बैंगलोर के होटल में ना 7 घंटों तक खड़ी रही थी मैं। बड़ा स्टैमिना आपके अंदर, बैठ के नहीं गई? वो एक्चुअली इससे भी छोटी ड्रेस पहनी थी ना, इसलिए। सर सर, सिद्धू सर का फोन आ रहा है अभी। उनको बोल यार मैं इंग्लैंड टूर के लिए निकल गया। तो क्या कह रही थी यार? मैंने फोन किया, उठा नहीं रहा वो। तू फिर से कर, एडवर्ड की शूटिंग कर रहा होगा कहीं पे। तो तू क्या, मैं बात करती हूँ, तुझे टाल देगा। बजा डाली। दादी स्पीकिंग, गिव इट टू विराट। बिजी है, काट दिया मोया। कहता है बिजी है, दादी का फोन काट दिया। मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी, तू चल चल के विराट को ले आते। चल, चल गाड़ी निकाल। चलो आजा, गाड़ी निकाल। दादी का फोन काट दिया। The color of your eyes is so beautiful. सर सर सर, किसी डॉली दादी का फोन आ रहा था तो मैंने उनसे कह दिया कि आप बिजी हो। अच्छा, तेरा दिमाग खराब है, तूने दादी को बोल दिया बिजी हो? तुझे पता है कौन है वो? दादी आ गई ना, सबकी ऐसी तैसी कर देगी। वाओ सो क्यूट विराट, अब अपनी दादी से इतना डरते हैं? काहे का क्यूट, मेरी नहीं पूरी दुनिया की दादी है, यहाँ आ गई तो खटिया खड़ी हो जाएगी सर। हट हट मोया पे और आ जा। हाय हाय विराट, तू यहाँ छुपकर पंक्चर बना रहा है और हम तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। दादी हाय हाय, ये कहाँ से आ गई पटक कहीं की? अरे लड़का थोड़ा फेमस क्या हो गया, आ गई चोंच निकल के। चल जा अपने चूजे के पास, चल। सुनिए वैसे आप मेरे से मिल लेना, मैं भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ। चल हट, बाय विराट। हाँ हाँ बाय बाय, चल जा।
दादी ऐसे थोड़ा ना करते हैं। तो कैसे करते हैं? इतनी प्यारी सी फैन थी उसको कैसे डरा के भेज दिया। मैं भी तो प्यारी हूँ, चल चलते हैं, चल कहाँ? घर चलते हैं। और कहाँ? कैसे कैसे? गाड़ी लाए हैं? नहीं, मेरे पास अपनी गाड़ी है, उस पे चलेंगे। उसमें ट्रैफिक में फंस जाएंगे, उसमें चुक 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 करके निकल जाएंगे। चल आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ दादी। बैठती क्यों नहीं? महीनों से हमें बोल रहे थे कि विराट कोहली को लेके आओ, लेकिन उनको क्या बताएं, एक्चुअली फोन नहीं उठा रहे थे हमारा। सबसे पहले तो आपको लाख लाख बधाइयां कि आप पे लाखों लड़कियां मरती हैं। पाजी आज तो शहनशाह आए, आज कुछ आज कोई शेर नहीं आ रहा। ये मेरा हीरो है जी। नाम लेकर महबूब का दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है क्या? अरे वाह, इंसान नहीं फरिश्ता है वो जो दूसरों के लिए जिया है। लोग तो करते हैं सिर्फ अपने घर को रोशन जमाने में, विराट कोहली वो चिराग है जिसने हिंदुस्तान को रोशन किया। देखो कि ये आदमी वो आदमी है जिसमें पोटेंशियल है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का। अरे वाह, इस खिलाड़ी की कमिटमेंट की मैं एक बात बता दूं जी। दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था जी, जब इनके फादर का देहांत हुआ, फादर का संस्कार करके वापस आके ग्राउंड में सेंचुरी मारी। है कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ? यही है स्पोर्ट्समैनशिप की। हालात कैसे भी हो, लेकिन जब आप डट गए तो फिर डट गए, फिर सब कुछ भूल भाल के आपको अपने देश के लिए खेलना है। और इस बात के लिए सच्ची आपके लिए तालियां बनती है। तो विराटपा जी, आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको क्रिकेटर बनना है? हाँ, बचपन से ही मुझे शौक था काफी क्रिकेट खेलने का। बैट था एक घर में छोटा, कोई पहले तो सोटे से खेलते थे, जैसे कपड़े धोते हैं। सोटा पकड़ के खेलते थे, तो वो पसंद आ गया कि कैसे मारा जाता है, कैसे बॉल मारते हैं। तो फिर छोटा बैट ला दिया घर वालों ने। फिर मैंने अपने फादर को बोला, 8 साल का था मैं, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है प्रोफेशनली। तो फिर उन्होंने मुझे एकेडमी ज्वाइन कराई, तो 16-18 साल हो गए मुझे खेलते हुए। अरे वाह, क्या बात है पाजी। और कितनी बड़ी बात है पाजी, 8 साल की उम्र में इनको आभास हो गया था कि मुझे ये चीज खेलनी है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। हमें तो 20 साल की उम्र में भी अकल नहीं आई। 8 साल की उम्र में तो हमें तो मतलब डैडी से बात करने में डर लगता था। एक तो मेरे डैडी वैसे पुलिस में थे, तो वर्दी पहन के आते थे, मेरे को लगता पुलिस आ गई, चुप जाओ, वो फील नहीं आता था। सच्ची हमारे घर वाले नहीं बाहर आने देते, 8 साल की उम्र में मेहमान आए बाहर नहीं आना, हम चुप चुप के देखते थे। फिर जब वो जाता था फिर समोसे पे हमला करते थे। पर कहते ना, होनहार विद्वान के होश सीखने पास। खेलना शुरू किया था तो किसी खास प्लेयर से इंस्पायर्ड थे आप? बिल्कुल, मैं सचिन तेंदुलकर मेरे आइडल रहे हमेशा से जी। और मैं जब उनके शारजा में ये 97-98 के टाइम मैचेस आते होते थे जी, तो मैं मेरा रूटीन था कि जब इंडिया का मैच होना है मैंने जाके दुकान से अपने चिप्स चॉकलेट ये सब लेके आने और टीवी के आगे बैठ जाना और इंडिया की बैटिंग पूरी देखनी। मतलब फील्डिंग भी देखता था लेकिन वो बैटिंग कर रहे तो मैं हिलता नहीं था टीवी के आगे से। मेरा खाना वहीं, पीना वहीं, जो सब वहीं पे पड़ा रहता था। तो मैं उनको ही देख के क्रिकेट मैंने खेलनी शुरू करी और आई एम लकी कि मेरे को उनके साथ खेलने का मौका मिला बाद में। जैसे इसको इसको तेंदुलकर को देख के ये जिया है ना, हिंदुस्तान की सब लड़कियां बच्ची बूढ़ी जवान चॉकलेट वॉकलेट लेके सिर्फ विराट कोहली को देखती है। जब पाजी आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, बड़ी छोटी सी उम्र में आपने इंडियन क्रिकेट टीम में आए, जब आप पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम में आए और सचिन तेंदुलकर साहब के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उस समय आपकी फीलिंग कैसी? देख रहे होंगे यार वही बंदा है, इसको देखते रहो। नहीं, मेरा मुझे अभी भी याद है, पहली सीरीज जो मैं खेला था वो एक्चुअली उसमें वो रेस्ट ले रहे थे तो मेरे को टीम में जगह मिल गई। अच्छा, उस टाइम तो मैं 19 साल का था तब। उसके अगली सीरीज में वो मैं था टीम में और वो भी आए वापस रेस्ट। अच्छा। से तो मुझे याद है पहले दिन प्रैक्टिस हुई तो
अब मुझे टीम वालों ने बोल दिया कि भाई इनके तो पैर छूने आके ये ना हमारा रिवाज है टीम में कि इनके पैर छूता है जो भी नया प्लेयर आता है टीम में. तो मैं सीरियस हो गया. मैं यार पैर छूने पड़ेंगे. तो मैं जाके खड़ा हो गया उनके पास. तो कहते हैं या कुछ चाहिए. तो मैं कहा नहीं, वो कह रहे थे कि वो पैर छूने होते हैं. तो कह रहे नहीं नहीं, वो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे. तो उसके बाद मैं इतना नर्वस हो गया उनके आगे. तो मैं उनके ऑपोजिट सीट पे बैठा था. तो मैं अपना सामान किट बैग से निकालूं और उनको बस यूं ही देखता रहता था कि मतलब क्या कर रहे हैं. इतनी घबराहट होती, उनसे बात नहीं करा जाता था हमसे. ये बात का जिक्र करना जरूरी है पाजी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि पहले पहले जब आया तो उनको देख के नर्वस होता था, लेकिन आज जो हालात है, मतलब इतना बाकमाल खेलते हैं कि आपके करोड़ों फैंस हैं. एक तरफ मिस्टर धोनी है जिनको मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता है, एक तरफ हमारे वाइस कैप्टन मिस्टर विराट कोहली जिनको थोड़ा गर्म मिजाज कहा जाता है. सो कोई इसके पीछे ये रीजन तो नहीं कि आपको हैंडल करने के चक्कर में कि धोनी की दाढ़ी के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं? ऐसा नहीं है. बाल मेरी वजह से सफेद नहीं हुए. वो कैप्टनसी का स्ट्रेस आपको शायद इतना पता नहीं कितना होता है. नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ भाजी, बिल्कुल ये मजाक की बात ही, लेकिन बाकी हम समझ सकते हैं उस समय कितना प्रेशर होता है. भाजी आप जितने क्रिकेट के लिए फेमस हैं उतने ही आप अपने स्टाइल के लिए भी फेमस हैं. मतलब 2012 में पाजी इंटरनेशनल जो 10 बेस्ट ड्रेस्ड इंटरनेशनल मैन, उनमें विराट कोहली का भी नाम है. तो आपने ये धारणा मतलब अपने आप बना रखी है कि क्रिकेट सब हमारे देश में क्रिकेट के लिए कितना जुनून है ये कहने की बात नहीं है, पर गलती से अगर कोई क्रिकेट का फैन भी नहीं है तो उसको मैं अपनी लुक से मारूंगा, ऐसा कुछ मन में है? नहीं, पहले तो पाजी बहुत माड़ा हाल था कपड़े पहनने का. बचपन में मुझे सिल्वर कलर का सूट पहना देते थे घर वाले सिल्वर कलर का शादियों में जाने के लिए. और मतलब मैं नाचता था और मेरे साथ कोई नाचने वाला था नहीं मेरी एज ग्रुप का. तो जो घर में दूसरों के नौकर नुकर होते थे मैं उनके साथ ही लगा रहता था फ्लोर में. फिर मेरे को लगा यार नहीं, थोड़े अपने हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए. घर वालों के ऊपर छोड़ दिया तो मुझे जिंदगी भर यही करना पड़ेगा. विराट, हमने आपके बारे में एक और बात सुनी कि आप बड़े फास्ट हैं. मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं. मतलब सबसे फास्ट 8000 रन, उसके बाद 3000 रन, सबसे फास्ट फास्ट इन्होंने बनाए हैं. जाहिर सी बात है, मतलब जब सबसे पहली गर्लफ्रेंड बनाई होगी तो वो बड़ी फास्ट बनाई होगी. नहीं, वो सबसे स्लो बनी थी, उसके बाद काफी उसके बाद पता लगता है, पता नहीं आपको और वीरेंद्र सहवाग को कोई बताता नहीं है कि मैच वनडे है कि छोटा वाला है 2020 है. ये उसी स्पीड से खेलते हैं 2020 वाली धड़ा धड़ दे. मतलब आपको सच्ची में नहीं पता चलता कि कौन सा मैच हो रहा है क्योंकि आपकी स्पीड वही रहती है चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो. नहीं यार, स्पीड तो भाई अभी पिछले 1-1.5 साल में बढ़ गई, उससे पहले इतनी थी नहीं. पहले मुझे वीरू भाई जब साथ हम खेलते थे तो वो मेरे को हमेशा ताना मारते, तो बड़ा धीरे खेलता है तू. अच्छा, तो फिर उसके बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने जयपुर में. इनको रोकते हैं पता, विसल मार के. नहीं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैच जीत चुके हैं फिर भी लगे हुए हैं. सामने वाला बॉलर बोलता भाई हो गया अभी आप जाइए. आपके करोड़ों क्रेजी फैंस हैं और आपके पीछे पागल हैं. कभी कोई ऐसा फैन आपको मिला कि जिसको देख के खुशी कम डर ज्यादा लगाओ? यार ये कैसा फैन है? अभी हुआ आईपीएल में दुबई में पाजी, कोई मेरे ख्याल अफगानिस्तान का बंदा था कोई. अच्छा, तो उसके लंबे लंबे बाल थे, वो जैसे जॉन इब्राहिम के थे ना धूम में पहले. हाँ. सीधे वाले. तो हम लोग खाना गए मॉल में, तो बाहर उन्होंने लोगों को रोक दिया रेस्टोरेंट वालों ने. अच्छा. पहचान गए एक दो. मैं था, यूवी पाजी थे, 2-3 लोग थे. तो बैठ गया, उन्होंने रोक दिया. तो वो बंदा थोड़ा ऑफेंड हो गया कि मेरे को ऐसे बदतमीजी से क्या निकाल दिया बाहर. तो मैं देख रहा था वो बड़ा ना गुस्से में खड़ा हुआ बाहर. तो मैं गया बाहर, भीड़ बहुत ज्यादा थी. तो उसने मुझे आके बोला कि मुझे फोटो चाहिए. तो मैंने कहा तू मांग रहा है कि ये भाई मुझे लेके जाएगा घर? तो मैंने कहा अभी बहुत भीड़ है, मैं एक को फोटो दूंगा तो नहीं हो पाएगी. तो उसको इतना गुस्सा आ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. मैं बोल रहा हूँ ना फोटो चाहिए मुझे. तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी वालों को लेके जाओ इसको, यार ये चाकू आपको ना निकाल दे अभी जेब से. अपनी ऐसी जगह पे मुकर जाना चाहिए. विराट कोहली सम्राट कोहली मैं अलग भाई उसका ऐसा होता है बाजी सच्ची में.
सारे दर्शक ये जानते हैं कि पूरी टीम में सबसे अच्छी इंग्लिश जो बोलते हैं वो विराट कोहली हैं। हमने बड़े किस्से पहले भी शेयर किए हैं, कपिल साहब आए जब उनके साथ भी किस्से शेयर हुए, बड़े मनोरंजक किस्से सुनाए। हाँ। तो ऐसा कभी हुआ पार्टी में सारे प्लेयर्स गए और विराट की इंग्लिश अच्छी और विराट ने सबसे पहले इंप्रेस कर लिया और बाकी प्लेयर बैठ कर ले गया, विराट भी ले गया, मैन ऑफ द मैच भी ले गया, ये भी मौका ले गया, ऐसा भी होता है। कौन सा मौका, खुल के नहीं बोलेंगे। ऐसा हाँ मतलब नहीं, मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता कि मौका ले गया है कुछ, लेकिन ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके ओके क्या मजे कर रहे हैं आप, ठीक है अच्छी बात है। इसको देखो, एक तो कहां जाता है, इधर आ, इधर आ, खुले में आ, खुले में आ, खुले में। एक तो इतना लेट आता है शो पर और जल्दी जाना है, क्यों क्यों 3-4 महीने से बुला रहे ना तुझे, क्यों आ नहीं आया तू? दादी मैच खेल रहा था 3-4 महीने से, खुद ही खेलता रहे, ये नहीं कि दादी तुम भी कभी देख लो। बना भी सकते, बाद में उंगली करने की आ रहा था इसको। दादी अंपायर के पास बैठ के देखेगी ना, ये तो थोड़ी नजदीकी नजर है, ये भी चली जाएगी बॉल है टप्पर के लगा ना, बाहर आ जाएगा ढेला तेरा पूरा। ऐसे नहीं लगते दादी चौके छक्के, ऐसे लगते हाँ ऐसे या ऊपर अपर डीपर एक ही बात है, लेकिन क्या खिला के बेचती तेरी मम्मी? मम्मी दूध चीनी दे देती है वही शगुन के लिए जो एग्जाम में भी वही खा के जाते थे। बस बस तो एक बात बता, ये आशीष नेहरा के घर के आसपास डेरी नहीं है? ब्राजील में हो रहा है। वो तो दूसरे लोगों के लिए हो रहा है, इसका फिनाले तो स्पेन में चल रहा था। दादी पल्लू ले रहे हैं ना, पल्लू ले रहे हैं ना मेरे को। ए दादी, तेरे को पता विराट को गुस्सा आएगा तो मुक्का मार देगा, तेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मेरे को मार देगा। अच्छा ठीक है, चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। तू इतनी सारी ऐड करता है, फिर 6-7 लड़कियां जाती हैं, फिर ऐसे तू देखता है, फिर बाइक पे जाता है। Why don't you suggest me some shampoo? मेरे क्या ना आजकल बालों में बड़े जुआ आ गए थे। दादी शैम्पू का क्या करेगी तू? तू 10-12 दिन और रहने देना, आने को जुए दम घुट के मर जाएंगी वो। अच्छा ऐसी बातें नहीं करनी थी? नहीं। अच्छा सॉरी। अच्छा एक मेजर प्रॉब्लम बोलो, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैंने गैस बड़ी होती है, इसका ना इलाज आज तक नहीं मिला,
तेरे साथ भी तो ऐसा कुछ होता ही होगा ना, तू भी इंसान है, वही खाता जो हम खाते हैं। अब इतने बड़े स्टेडियम में खड़ा है, वहां से बॉलर ऐसी 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 कर रहा है, गैस हो जाए तो अब हम तो चूरन खा नहीं सकते वहां खड़े खड़े। मतलब वही तो और क्या। अच्छा वैसे भी इतना बड़ा स्टेडियम है, हमें कौन से टीवी पे आवाज सुनाई देनी है। तो इलाज तो बताया नहीं बेटा। दादी क्या इलाज बताया, फालतू में आगे तंग कर रही है। ये बैट्समैन हो, बंगाली दवा खाना नहीं उनका कोई। ठीक है तो गांगुली से पूछ लूंगी, वो बंगाली है। दादी तेरे बहुत हो गए, चल निकल यहां से। अच्छा मैं जा रही हूं, but I want to tell my secret. हां जी। I am also a party animal like you. Really? Yeah. जब मैं नाचती हूं ना विराट, मेरी कमर है ना ऐसे स्पिन करती है। अच्छा। यहां से मुरली, यहां से धरन। और क्या ना, आज हम लोग मैच भी जीते ना बिट्टू, तो डांस तो बनता है। क्या बताऊं, आप तो इतने खूबसूरत हो, ये तो क्रिस गेल भी आ जाए उसको भी ना छोड़े। हम सब यार दोस्त जब बैठते हैं ना, कभी विराट को खेलते हुए देखते हैं या कभी किसी एड फिल्म में देखते हैं, तो अक्सर ये बातें होती है कि यार विराट ऐसा क्रिकेटर है कि खतरनाक बैट्समैन तो है ही, लेकिन एक्ट बहुत अच्छा करते हैं जब कोई ऐड करते हैं। और आज हमने डांस भी देख लिया, और क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ भाई आपके अंदर। मैंने कहीं से तो सुना आप मिमिक्री भी करते हैं, मैंने सुना है। खड़का दे दो तीन यार, दो तीन खड़का दे किसी की भी। कोई शान शर्मा तो ये जो पुलिस वाले बनते हैं वैसी आवाज है उसकी। कैसे कैसे? ओ यार बॉल दियो मुझे यार, क्या कर रहा है। और यूवी यूवी कैसे करते हैं? यूवी यूवी पाजी का क्या है, बीच में थोड़े जब वो बीमार होने से पहले थोड़े मोटे हो गए थे, तो फील्ड में वो खड़े होते थे तो थक जाते थे ना मैच में, तो उसके बाद बोलते कुछ नहीं। उनको कुछ भी बोलोगे ना, जैसे मैंने बोला पाजी मैं वहां जाकर खड़ा हो जाऊं, उनका ऐसे हो जाना। बंदा जाके खड़ा है, अगली बार दोबारा दे दिया थके हुए में धोनी भाई ने, कमर पे हाथ रखा बॉल पकड़ी उधर, और फील्ड कैसे चेंज कर रहे, आवाज नहीं निकल रही।
अनिल कपूर की भी मैंने सुना आप मिमिक्री करते हैं। नहीं, उनका एक डायलॉग बड़ा पसंद था मुझे, कोई मूवी थी उसमें वो ना घर में होते पाजी सीन था, कोई सेकंड फ्लोर पे थे शायद, नीचे गुंडे आते हैं छेड़ने, शायद माधुरी दीक्षित थी हीरोइन, तो उसको छेड़ा तो उनका डायलॉग ऊपर से वो गुंडों का बोल रहा है, अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, भूत नहीं है। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको देख के बहुत खुशी हुई। अरे वाह। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि विराट झूठ भी इतना अच्छा बोलते हैं। सारी दुनिया को पता विराट हैंडसम है, स्मार्ट है, टैलेंटेड, कैसी हैं आप? तेरा पुत्र नहीं पूछेगी तो क्या मतलब दुनिया को पता नहीं चलेगा? शर्मा जी, इट्स कॉल्ड एटिकेट्स। सॉरी मैं इन्हें क्यों बोल रही, नहीं तो एटिकेट का स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, है ना पाजी? स्पेलिंग तो मुझे वाइफ के भी नहीं पता, फिर भी तू आ गई ना हमारे घर में। विराट से बातें करने दीजिए, है ना विराट? हाँ जी। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। पूछिए। क्रिकेट के अलावा आपके और कौन से शौक हैं? मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, और कॉमेडी नाइट्स देखने का बहुत शौक है। आपको वैसे कुकिंग का भी शौक है? डैडी इसके ढाबा कब का बंद हो गया, लेकिन कुकिंग वाले सवाल नहीं बंद हो रहे इसके। वैसे आपको फ्यूचर में हनीमून जाने का कोई लाइक कौन सी डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहोगे? एनी? मैं सोचा तो होगा सम ड्रीम लोकेशन, जहाँ ये गई थी वहां चले जाओ। कहाँ? नासिक में एक चिड़ियाघर है, वहां गए हम लोग। हनीमून पे कहाँ जाएंगे आप? आप भी सोच ले आप कहाँ जाना चाहते हो। मैं अभी 26 साल का, आप कहाँ हनीमून की बातें कर रहे हो? तेरे से 2 साल छोटा है विराट। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रही थी, हनीमून कहाँ जाएंगे, तेरे को क्या लेना था? वो इसलिए क्योंकि मेरे घर वाले में एक छोटी बहन के लिए लड़का देख रहे हैं, तो विराट से अच्छा लड़का और कौन हो सकता है पाजी? मेरे को दोबारा कंफर्म करने दो, तेरी छोटी बहन की शादी विराट के साथ? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, उसकी शक्ल रॉबिन थप्पा से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि विराट उसका पार्टनर बन जाए। उसकी शक्ल मेरी जैसी है, so why are you? मैं उल्टा कवर कर रहा था, इसने और बड़ा कर दिया। उल्टा तीर पीठ में लेना। Just ignore him, please. वो ऐसे ही ना मेरे फैमिली को बदनाम करते रहते, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी बहन बहुत क्वालिफाइड है, she is very qualified. इससे पूछो कौन से कॉलेज में पढ़ी है? कैसे? बता ना उनको कौन से कॉलेज में पढ़ी हो? हर कॉलेज में पढ़ी रहती है। हमने खुद तोड़ी थी, ओके? मैं बताता हूँ, ये जो जॉब करती है ना इनकी बहन, उसकी सगाई पता क्यों टूटी? क्योंकि लड़के वालों ने ऑन ड्यूटी देख लिया था उसे, सर्कस में जोकर बन गए, बंदरों केला खिला रहे थे भाई। भाई ऊपर से कितना ढीठ है, लड़के वालों को क्या बोल रहा है, कहता कर लो रिश्ता फिर क्या हुआ, नाक पे टमाटर लगा रहा था, वो कौन सा पहचान में आती है, ऐसे बोलते हैं। मेरी बहन किसी सर्कस वर्कस में काम नहीं करती, और मैं मौसी की लड़की की बात कर रही हूँ। कौन, जो वो ड्राइवर को लेके भागी थी? मेरी बहन कहीं नहीं भागी थी और ना किसी को भगाया था।
भागी नहीं थी, आई नो, बाय ऑटो गए थे वो। ऑटो वाले को लेके भागी, ऑटो में बैठ गई, कहते भैया चलो। वो चलने लगा, कहते चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मुंबई के ऑटो वाले को काठमांडू ले गई। विराट, मैं सच कह रही हूँ, मेरे फादर एक्चुअली चाहते कि मेरी बहन की शादी ना किसी स्पोर्ट्समैन से हो जाए, क्योंकि वो भी हमेशा गेम्स खेलते थे, सो ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्समैन, दैट्स ऑल। हां, ही इज अ वेरी गुड फुटबॉलर एक्चुअली। फुटबॉल का मैच चल रहा था, जैसे ही इनके पास बॉल आया ना, इसके डैडी ने उठा ली, कहता अरे इसको तो मैंने सिला था। हमेशा मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है, मुझे किसी से कोई शादी वादी नहीं करवानी, इनका कुछ नहीं हो सकता, और आप खैर बिजी है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये अगली बार लोकसभा मेंबर बनने वाली है। बिंदी छोटी लगाकर वजन के मारे गिर जाएगी किसी दिन। विराट, आप बिजी रहिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और कपिल शर्मा के साथ। बाय बाय। विराट, आपके जैसे मैंने पहले कहा कि ढेर सारे फैंस हैं जो बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, सो आप लोग एक एक करके विराट से बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी, मेरा क्वेश्चन विराट सर से ये है कि मैंने सुना है कि विराट सर का पेट नेम चीकू है, और मुझे चीकू मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रूट है। I just love चीकू। तू चख के देख ले मीठा है कि खट्टा है। चीकू को पकने लो, कच्चा तोड़ लोगे क्या? जी, तो आपका सवाल क्या है? तो मैं विराट सर से ये जानना चाहती थी कि क्या सच में विराट सर का नाम चीकू जैसा टेस्टी है, या सच में विराट सर चीकू जैसे यम्मी है? इस सवाल का मुझे क्या जवाब है? भाई चलो शेक बना के आते हैं इन्हें। चीकू छिलके समेत ही पसंद है आपको? चलेगा। कहती भी आपका शेक नहीं बनाना, ऐसे ही पसंद है। पाजी, किसने रखा था आपका नाम चीकू? ये पाजी, अभी मेरे ख्याल पता तो लोगों को, धोनी भाई सारे मेरे को, वो भी मेरे को विराट बोलते तो मुझे अजीब लगता है, किसने बुला लिया मुझे। अच्छा। तो वो स्टंप माइक होता है, वो कीपिंग करते हैं, तो वो सुनाई देता है टीवी में सब। जी। तो वो ऐसे बोलते हैं, चीकू इधर हो जा, चीकू उधर हो जा, तो वो लोगों ने पिकअप किया बहुत। तो मेरे से, मेरे को बड़े लोग बोलते हैं, चीकू एक फोटो हो जाए। मैं कहा यार पड़ोसियों में तेरा ऐसे बुलाया, चीकू एक फोटो हो जाए। हमारे पाजी अंडर 17 के कोच थे हमारे दिल्ली में, अजीत चौधरी नाम था उनका। अच्छा। तो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे हम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारी, तो उसमें आ गए वो कोचिंग के लिए। तो मैं उस टाइम ठीक ठाक, मतलब हट्टा कट्टा था, तो मुंह पाजी मेरा बहुत ज्यादा गोल था, बहुत मोटा मुंह था, और मेरे को लगा वो गर्मियों से सर्दियों में सीजन चेंज हुआ, मैच उस टाइम थे, तो मैं टोपी उतारू, मेरे बाल आ जाए हाथ में 6-7। अच्छा। तो मुझे लगा मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो बॉम्बे मैच खेलने गए पाजी, मैंने वहम हो गया, मैं क्या बाल गए मेरे। अच्छा। तो किसी ने मुझे बोला कि छोटे छोटे बाल करा लो और उसमें तेल घिसो। तो मेरे कान है बड़े, तो मैं पाजी छोटे छोटे बाल करा के आ गया, साइड में दुकान थी कोई रोड के पास, मैं प्रैक्टिस के लिए आ गया, तो एक चंपक कॉमिक्स आती थी, उसमें एक चीकू खरगोश था। उसके बड़े बड़े कान थे, तो मैं प्रैक्टिस पे पहुंचा, उन्होंने कहा तू चीकू द रैबिट लग रहा। तो उस टाइम से वो 2007 से मेरे ख्याल मेरा नाम चीकू ही पड़ गया। अभी आज के बाद चीकू भी महंगे हो जाएंगे, आज के बाद पिलपिले चीकू होंगे ना, वो भी खुश होंगे आज हमारी। चलिए, शुक्रिया नेहा, धन्यवाद आपका। मुंबई में रहने वाली हैं आप? हाँ। कौन कौन आया साथ घर में? मेरे फैमिली, मेरे मॉम डैड और मेरी बहन के साथ। सर, सबसे पहले घर जाते ही ना बेटी को 1 किलो चीकू दिलाइए। चीकू अच्छी तरह से खा ले ताकि मन भर जाए चीकू से, क्योंकि विराट का भी शादी करने का कोई इरादा नहीं। जी, और कोई हमारे दोस्त जो विराट से बात करना चाहते हैं? जी सर, विराट सर ने वेस्ट इंडीज के काफी प्लेयरों के साथ डांस किया है, सो क्या सर आप मुझे थोड़े मूव सिखा सकते हैं? हैं? आइए। आ जाओ। साथ में और भी कोर्स। अच्छा, फैमिली आई है भाई। तो आप थोड़ा एक ऑडिशन दे दीजिए, उसके बाद अगर पसंद आया तो विराट आपको ज्वाइन करेंगे। कुछ भी प्ले कर दो, लगा दो नरेंद्र चंचल का, लगा दो कुछ।
सबसे बेस्ट रिदम में, फ्रेंकली अगर मैं बताऊं जितना मुझे नॉलेज है, वो लड़की का सबसे बेस्ट डांस था। अंकल का तो मुझे डर था आपस में ना फंस जाए बाजी। गाना चला चमक चलो, अंकल को सुनाई दे रहा था मुझको राणा जी माफ करना। हम लोग मिलके डांस खराब करते हैं सारे, इधर आ जाओ। आई बड़ा शरारती है भाई जी, प्लीज प्ले द ट्रैक। ओह माय गॉड, और कोई हमारे दोस्त जो विराट से बात करना चाहते हैं? जी सत श्री अकाल सिद्धू पाजी, हाय कपिल, हाय विराट। एक मिनट, लड़की को बात तो करने दो जी। क्या नाम है आपका? निशा। निशा या वो है निशा। मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप नील डाउन होके किसी स्पेशल पर्सन के लिए आपने एक गाना गाया था, तुझमें रब दिखता है। ये बात सही है। ये भैया ये क्या सुमड़ी में घुमड़ी है, निकाल जरा यार, ये क्या है? इट वाज फॉर सचिन तेंदुलकर। बात तो सही है लेकिन कैन आई ऑल्सो हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप मेरे लिए भी गाना गाइए? आइए आइए। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे लगा हाथ में ना लगे, मेरे को माइक दे दिया। सर के लिए गाया था? हाँ जी, हमने वर्ल्ड कप फाइनल जो जीते हम बॉम्बे में, उसके बाद होटल में हमारे ताज में रुके हुए थे हम टाउन में जी, तो वहाँ पे हमने एक बड़ा हॉल बुक किया हुआ था, वहाँ पे सारे आए हुए थे, हम लोग मस्ती कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे, तो वहाँ गाने बजाए हुए थे, तो एकदम मुझे भज्जू भाई हरभजन सिंह जी ने बोला कि पाजी के लिए गाना बजाते हैं, हम सब गाएंगे। तो मैं क्या ठीक है, उन्होंने बजाया, फिर हमने सबने, मैं यूवी पाजी अपने भज्जू पाजी, तीनों ने नीचे घुटने टेक के उनके सामने खड़े थे वो, और पूरा गाना गाया हमने उनके लिए। अरे क्या बात। जी और कोई हमारे सज्जन दोस्त? हाय विराट, हाय कपिल सर, हाय सिद्धू पाजी। मैं बेसिकली बोरीवली से आई हूँ। विराट, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे बारिश का भी बहुत सुहाना मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में आप और उसको हसीन बनाने के लिए पकौड़े प्रेफर करेंगे या अपनी फिटनेस को देखेंगे ज्यादा? मैं रहने दो, सो जाओ थोड़ी देर। क्या सवाल पूछा आपने? लड़की उठी है, हैंडसम क्रिएटर सवाल पूछ रही, आप पकौड़े खाना पसंद करेंगे?
कहाँ से आई आप? बोरीवली से. बोरीवली से. नाम क्या है आपका? अनुष्का. अनुष्का, मैं सिर्फ शर्मा. यही फर्क है बोरी वाली अनुष्का में और फिल्मों वाली अनुष्का में. पकौड़े पे मेरा मूड खराब हो गया था. मेरी चटनी फैल गई थी. तो सारा सावन ही खराब कर दिया. पकौड़े खाओगे पता नहीं. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फिटनेस का ध्यान रखता हूँ अपनी. बड़ी मुश्किल से मैं फिट हुआ हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी डाइट मेंटेन करूँ. चलो जी, अच्छा बड़ा आपने उसको क्या बोलते हैं वेजिटेबल सा सवाल पूछा आपने, मुझे समझ नहीं आया. चलिए शुक्रिया अनुष्का, थैंक यू सो मच. धन्यवाद आपका. विराट भाई, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं आपकी. हम चाहते हैं कि आप ही एक्सप्लेन करें कि वो कौन कौन सी मूवमेंट्स है. प्लीज जरा डिस्प्ले किया जाए. पाजी ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमने कभी देखा नहीं ऐसे. बाप भाई का ठुल्लू. सर ये आपका शो का इतना क्रेज है पूरे इंडिया में तो है ही. क्रिकेट टीम में सारे साथ बैठ के आपका शो देखते हैं. अरे वाह. और कोई मिस नहीं करता एक भी एपिसोड. मतलब हमारा एंटरटेनमेंट ही यही है कि ये शो देखना साथ बैठ. अरे वाह क्या बात है. हमने वहाँ जयपुर में जो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट मैच हुआ था, हमने 360 रन चेस किए थे. तो याद है एंड में वो मैं अवार्ड देने आया था और तुम सारे पीछे खड़े हुए थे, ठोको ताली बाबा जी का ठुल्लू कर रहे थे सारा. ये वही है मैच. उस मैच के बाद उन्होंने कैप्टन डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 360 रन और बदले में उन्हें मिला बाबा जी का ठुल्लू. नहीं लगता था कि ये क्रिकेटर्स इतने बिजी होते हैं कि ये कॉमेडी शो भी देखते होंगे. मतलब मैंने पिक्चर्स देख के थोड़ा आइडिया लगाया था, मैंने कहा देखते होंगे, पर इतना टाइम लग जाता भाजी आपको? भाजी टाइम जब हमें मिलता है, मैं तो मतलब इतना क्रेज है इस शो का जी. टीम तो देखती देखती है, जब कहीं वेट कर रहे होते हैं. से अभी श्रीलंका में मेरे साथ हुआ पीछे. अच्छा. एयरपोर्ट पर हम लोग वेट कर रहे थे तो मैं बोर हो रहा था. मैं कहा यार कुछ देख लेते हैं, कुछ करने को है नहीं, बहुत देर हो गई. बैग्स की कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने रियलाइज नहीं किया वाईफाई मेरा है नहीं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, कनेक्ट नहीं हो रहा. तो मैंने अपने इंडिया के 3G सेलुलर नेटवर्क पे चला दिया. एक घंटा इंटरनेशनल रोमिंग पे मैं कॉमेडी नाइट्स देख गया. वहाँ मेरे भाई का फोन आया एक घंटे बाद कि क्या कर रहा है तू? तो मैं कहा कुछ नहीं, लाउंज में वेट कर रहा हूँ. कह रहा है 3 लाख रुपए का फोन बिल कहाँ आया, तेरा फोन तो नहीं खो गया? इंग्लैंड टीम की कैप्टन है, औरतों का क्रिकेट टीम जो है, इन्होंने साफ लफ्जों में इंटरनेट पे बकायदा ऑनलाइन विराट को शादी के लिए प्रपोज किया था. मना क्यों कर दिया पाजी? इतनी गोरी चिट्टी तो है. कोई टाइम था गोरे हम पे राज करते थे, आज हमारे बंदे गोरियों के दिलों पे राज करते हैं. बांग्लादेश में खेल रहे थे T20 वर्ल्ड कप. अच्छा. तो सेमीफाइनल मैच के बाद ये शायद उन्होंने ट्वीट किया था, मेरे को अगले दिन पता चला. तो हम बिजी हो गए प्रैक्टिस मैच वगैरह में, ध्यान दिया नहीं. बाद में मैंने पढ़ा मेरी मम्मी ने इंटरव्यू में बोल दिया कि नहीं उसकी भी शादी की उम्र नहीं है. मेरी मम्मी ने घर से मना कर दिया, मतलब मेरे को मौका ही नहीं दिया. विराट भाई एक बात आपसे पूछनी थी, जो भी लोग आपके बारे में कहते हैं कि विराट एग्रेसिव हो जाता है या ये होता है थोड़ी मोमेंट के लिए जितना आप टीवी पे देखते हैं, आज विराट यहाँ पे है तो आपको ये भी देखने को मिला कि विराट इमोशनल भी है स्वीट भी है. सो मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ जो तकरीबन जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं. कुछ एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ तो वो आप उनके फटाफट जवाब दीजिएगा. टीम में सबसे ज्यादा भूख किसे लगती है जो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि यार मेरे को खाना खाना है? भूख ईशान शर्मा. ये कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को. इतनी जब ईशान शर्मा कभी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी भूख लगती है तो फिर खाना जाता किधर है? एनीवेज वो कौन ऐसे प्लेयर हैं जिनके पेट में बात नहीं पचती? इंडियन टीम में अभी तो नहीं है, अभी हमारी बैंगलोर की टीम में थे पार्थिव पटेल. उनके पेट में बात नहीं पचती, पचने की जगह ही नहीं है. इस दिन से तो है.
पॉम थम। अगला सवाल जो है, लड़कियों से सबसे ज्यादा दूर कौन भागता है? लड़कियों से सबसे ज्यादा दूर भागते हैं चेतेश्वर पुजारा। बहुत ही फोकस्ड, बहुत शरीफ। इससे उससे शरीफ लड़का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पुजारा नाम ही धार्मिक है। पुजारा अच्छा नाम है भाई, पुजारा। 5 बार पूजा करता है दिन में और वाइफ का नाम भी पूजा है। डी है। सबसे ज्यादा फेंकता कौन है? रविंदर जडेजा। उससे भाई जामनगर में रहता हो, उससे जामनगर की कोई बात कर लो, वो कभी 2 बिल्डिंगें कहता है हर साल एक चावल के साइज जितना पास आती जा रही है, वो जब मिल जाएंगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। उसकी बातें कहता है, एक कहता है पता नहीं वहां के कोई राजा थे, उनकी फोटो है घोड़े पे, वो ना सवार है घोड़े की हाथ ऊपर है आगे की, तो तलवार लेके आए, कह रहा है घोड़े की कभी एक साल राइट आर्म ऊपर हो जाती है, एक साल लेफ्ट आर्म ऊपर जाती है। किस किस लेवल का फेंकू है। सबसे ज्यादा आलसी कौन है टीम में? सबसे ज्यादा आलसी है मोहम्मद शामी। वो हमारे ना एक मसाज करते हैं टीम में, माने काका नाम है उनका, थोड़े एजेड है, तो उनके रूम में बड़ा अच्छा माहौल होता है, भगवान की फोटो लगी है, नमकीन पड़ी है, बिस्किट पड़े हैं, चाय बन रही है, तो मसाज टेबल लगाया उन्होंने, गरम गरम तेल डाल के मसाज करते हैं, तो ये भाई साहब मसाज कराने जाते हैं भूल ही जाते हैं कि मसाज कराने आया था मैं, 3-3 घंटे उठता नहीं बैठ से, वहीं सो जाता। सबसे ज्यादा नींद किसको आती है बाजी? सबसे ज्यादा नींद रोहित शर्मा। चलते मैच में भी कभी कभी नींद आ जाती है। वो बंदा सर मैंने इतनी जगहों पे अलग अलग, कोई भी अनकंफर्टेबल, सबसे अनकंफर्टेबल जगह होगी वहां भी सो जाएगा वो। मतलब इतना सोते हुए मैंने इंसान को कभी नहीं देखा। वो उठता टाइम पे भी सोएगा तो भी लेट उठता, लेट सोए तो लेट उठता ही है, टाइम पे सोए तो भी लेट उठता वो। एक लास्ट सवाल है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये था कि सबसे ज्यादा लड़कियां किस पे मरती हैं? नहीं वो तो जल जाए। तेरे सपने में तो उसने मामू लकाद रास्ते से वापस मुड़ गया था। झूठ बोलती है। विराट जब पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले के आईब्रो सफेद होने शुरू हुए इनके। शट अप बिट्टू, वो तो ना सिद्धू जी मैं फोन के लिए बातें कर रही हूँ, वैसे आजकल मैं ना बहुत सीरियस बातें करती हूँ, एक सीरियस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। विराट जी मैंने ना एक नेगो खोला है। एनजीओ होता है, एनजीओ तो फुल फॉर्म क्या है, क्या किस चीज का एनजीओ है? एनजीओ नॉन ग्रीडी औरतें। विराट जी मैं आपको बताऊं कि ना जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं बेचारी कई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, करेंगे मदद? अच्छे काम के लिए तो मैं हमेशा मदद करने को तैयार हूँ। लाजी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपको पता है अभी अभी विराट कोहली जी ने हमारे एनजीओ को 5 करोड़ रुपए देने का अनाउंसमेंट किया है। कब का उन्होंने 5 करोड़ रुपया? ये ताला तो नहीं लगा दिया घर पे बाहर से? मेरे को लूटने के लिए बुलाया। सुनिए
मैंने क्या बोला 5 करोड़ रुपए? इसे तो कभी 250 का नोट नहीं देखा, ये क्या करके 5 करोड़ का? अच्छा 5 करोड़ तो मैं नहीं दे सकता, और कुछ करना तो बताओ। हाँ जी हाँ जी, देखिए हमारा एनजीओ जो है ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाता है, तो अगर आप हमारे एक प्रोडक्ट की ऐड कर देंगे तो हम पैसा बीच में ही एडजस्ट कर लेंगे। ऐड तो बाएं हाथ का खेला विराट कर ही सकता है। चलो कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं। क्या बेचना, क्या बेचना, क्या? ठहरिए मैं आपको बताती हूँ। पर्स बेचना आपको ना, लिपस्टिक की ऐड कर दी। मैं लिपस्टिक की ऐड कैसे करूंगा, मैं लड़का हूं। क्यों, लड़कों के होंठ नहीं होते, उनके डायरेक्ट दांत ही शुरू हो जाते हैं। उनके भी होते ना होंठ। और वैसे भी देखिए कितनी सारी लड़कियां इन पे मरती हैं, तो अगर आप लिपस्टिक की ऐड करेंगे तो हमारी कितनी सारी लिपस्टिकें बिक जाएंगी। लाओ जी मैं लिपस्टिक भेज देता हूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ जी, बस आपको ना मेरे साथ साथ बोलना है। अच्छा, पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बोलिए। ये साफ ही झूठ पहली लाइन थी। लिपस्टिक को अपने ऐसे हाथ में कहिए, पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब से मार्केट में ये पिंकी लिपस्टिक आई है, मैं लड़कियों का दीवाना हो गया हूँ। जब से मार्केट में ये पिंकी लिपस्टिक आई है, तब से मैं दीवाना हो गया हूँ। मैं लड़कियों का दीवाना हो गया हूँ। जो भी लड़की ये पिंकी लिपस्टिक लगाती है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। जो भी लड़की ये पिंकी लिपस्टिक लगाती है वो मुझे बहुत पसंद आती है। खरीदिए 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 पिंकी लिपस्टिक और मेरे साथ डेट पर जाइए एक बार। खरीदिए 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 पिंकी लिपस्टिक और मेरे साथ एक बार डेट पर चलिए। जो खरीदेगा पिंकी लिपस्टिक उसका भी भला, जो खरीदेगा पिंकी लिपस्टिक उसका भी भला, और जो ना खरीदे, और जो ना खरीदे उसका सत्यानाश। और जो ना खरीदे उसका सत्यानाश, उसके गर्मी में होंठ जल जाए। हुआ शुरू शुरू में तेरी ऐड थी, लास्ट में भीख मांगने में उतर आई थी। उसका सत्यानाश, जो ना दे उसका, ये क्या कर रही थी? बिट्टू, असल में ना आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकले जा रहा है। मैं मोहल्ले का स्पोर्ट्स कंपटीशन जो जीत के आई हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, क्या बात है। चीटर चीटर लोग, चीटर लोग हैं ये। विराट जी, इनका बिल्कुल एतमाद नहीं करना, ये झूठे लोग हैं, एक नंबर के फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। आप कौन है भाई साहब? आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या क्या काम है आपका? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पैसे की कमी नहीं है। वो मेरा दुबई में ना पकौड़े की शॉप है। ओ, क्या बात है दुबई में। हाँ, पकौड़े बेचता हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं दिल से मैं क्रिकेटर ही हूँ। अच्छा? चलिए छोड़िए आप इस बात को, आपके लिए देखिए मैं ये पकौड़ा लेकर आया हूँ। रखो भाई रखो इसको, इसमें इसमें क्या स्पेशल है? ठंडे पकौड़े लेके आए? ठंडे तो जहाज में दुबई से आऊंगा तो ठंडे ही होंगे। खास क्या है इसमें? खास इसमें ये है कि इसमें से सोने का सिक्का भी निकल सकता है। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो, अगर नहीं निकला तो कल निकल आएगा। निकलेगा जरूर। अब एक स्पोर्ट्समैन को तेल वाले पकोड़े खिला रहा है बेवकूफ। अगर ये स्पोर्ट्समैन है तो हम भी कोई कम नहीं है। हमारा खानदान स्पोर्ट्समैनों से भरा पड़ा है। क्या? मेरे डैडी इतने बड़े स्पोर्ट्समैन थे, मैं बता नहीं सकता। बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन, सारा दिन खेलते रहते थे। कोई बिल्ली को पंजा मार दिया, कोई कुत्ते को पत्थर मार दिया। ये भी गेम होती है। अच्छा, थे तो ईमानदार ना,
आपकी तरह बेईमानी तो नहीं ना करते थे? विराट जी, इनके साथ हमारा गिल्ली डंडे का मैच हुआ है, इन लोगों ने पता क्या कि अपनी बारी ली है और उसके बाद जब हमारी बारी आई है डंडे की जगह गिल्ली दे दी और गिल्ली की जगह हमें डंडा दे दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, आप विकेट की जगह के ऊपर बेल्स लगा दो और बेल्स के ऊपर विकेट रख दो, इस तरह मैच हो सकता है, कोई आउट कर सकता है? चांस ही नहीं, मलिंगा कर सकता बस। असल में क्या हमारी फैमिली ने सारे स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड बीट कर दिए ना, इसलिए ये जल रहा है। हाँ, रिकॉर्ड तो बड़े इनकी फैमिली के, सिर्फ भूखा रहने के अवार्ड है इनके पास। इनके दादा 10 दिन भूखे रहे, ये रिकॉर्ड है इनका। और अब इनके दादा कहाँ होंगे? कोमे में होंगे। क्या कहा तूने? फिर से बोल। क्या कहा बे? आपको पसंद आई बात? कमीने, विराट के सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है तू। शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। दादी, फिलहाल तो मैंने कुछ खाया नहीं है, और दूसरा आपकी थाली में छेद पहले ही था, और आपके घर में खाने की चीज इनकी बकरी मुझे कहती है, मुझे किसी जॉब पे लगवा दो, चारा तक तो देते नहीं है बकरी को। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, और जीतेंगे, 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 जीतेंगे। चाचा जी, आपको देर हो गई, ये चीटिंग वाला किस्सा परसों का है। तो कोई बात नहीं, आपके कमीनेपन की बातें बता देते हैं। विराट, ये जो डॉली है ना, इतनी ज्यादा कमीनी, इतनी ज्यादा कमीनी, कल कौए को कहती उधर देखो बाज आया है, कौए ने उधर देखा, उसकी चोंच में से रोटी लेकर इधर को निकल गई। इतने कमीने लोग हैं ये। तो खुशी की बात है ना, दादी में फुर्ती तो है कम से कम। हाँ, अपना पता तुम्हें क्या? हाँ, ऐसे ब्रश नहीं उठता, टूथ ब्रश। हाँ, एक जगह ब्रश में खड़ा कर पेस्ट लगा के उधर जाके मुंह हिलाता, फिर अपना ब्रश उठा। ये सबसे औरत सच्ची मोहल्ले में। थैंक यू पंकुड़ी आंटी, आप आए। ये औरत बताएगी कि हम लोग चीट रहे हैं, ये मोहल्ले में इसके अलावा कोई सच बोलता ही नहीं है। मैं आपको इनके परिवार के बारे में बता दूं। थैंक यू। इनका पूरा परिवार एक नंबर का कमीना, भूखा, मकान फरेली टाइप का परिवार है, और 5-6 क्वालिटी इनके परिवार की है जिसको बयां करने के लिए शब्द अभी भले नहीं है। पूरे शहर में इससे झूठी औरत ही कोई नहीं। अभी अभी बोल रहे थे सबसे सच्ची हो रही है। यह तो कुछ नहीं विराट, कल ये मुझे कह रहे थे, कहते घर छोड़ कर ना चूहे दानी में शिफ्ट होने को बड़ा दिल करता है। मैंने कहा क्यों? कहते कुछ नहीं, वहां रोटी टाइम टू टाइम मिल जाती है। ऐसे लोग हैं ये। अंकल, आज आप उम्र में बड़े हैं, आपको मैं कुछ बहस तो नहीं कर सकता, थैंक, पर मैं मुक्का मार कर मुंह तोड़ दूंगा आपका। मस्त दो मैं अपनी आंखों से देखा है। अरे आंखों से कीचड़ निकाल, पड़े आंखों में देखा है। खुश हो रही है बुड्ढन? क्या बुड्ढन, किसको कहा तूने? एक मिनट लड़ो झगड़ो मत, हाथापाई पे ना हो, आपसे तो आठ उठना ही नहीं, हाथापाई मत करो, खेल का बंदा है तो खेल के डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा इन्होंने चीटिंग क्या की हमारे साथ। क्या चीटिंग है बताओ? हमने साथ में गेम रखा फुटबॉल का, ये लोग हॉकी लेकर आ गए, कहने लगे हॉकी का फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है विराट, हॉकी जो है वो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, तो हम उसे प्रमोट कर रहे थे, तो व्हाट्स योर बिग डील चार दाढ़ी? नहीं तो आप लोगों से कोई गोल नहीं हो पाया? गोल कैसे करते विराट भाई, 3-3 बंदे हॉकियां लेके पीछे चढ़े हुए थे। अब बंदा अपनी जान बचाई या गोल करे? और ये क्या गोल करेगी, पहले से कितनी गोल है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं वो गोल करने वाली थी कि अचानक विजय बिट्टू शर्मा मुझसे कहता है कि वहां देखो समोसे पड़े हैं। फिर? अरे फिर क्या, फिर मैंने वहां देखा तो वहां सच में समोसे किसी के गिरे पड़े थे, थोड़ा सा नाली से दूर से, तो मेरे मन में लालच आ गया, वैसे मैं कोई समोसे लेने पीछे से इसमें गोल कर दिया। जी डर और विराट जी, मैं आपको बताऊं, मेरी तो इन्होंने भारी नहीं आने दी।
तेरी बारी आती भी तो क्या कर रहा बुड्ढन, हॉकी भी गोल्फ इधर खेल रहा था, यूं यूं करके खेल रहा, बाद में बोलता है बॉल इधर रह गई गड्ढा इधर खोदो। देखिए जो भी है हमारे साथ चीटिंग हुई है। देखो अभी घर पे गेस्ट आए हैं, बहस नहीं करनी, लड़ाई कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करनी, फैसला गेम से होगा। पक्का? एक स्पोर्ट्समैन आया आपके घर में तो गेम करके फैसला करेंगे। मैं बैठ के देखूंगा, मैं जज बनता हूँ, फिर मैं देखता हूँ किसने चीटिंग की है। इंटेलिजेंट गाय, अब देखना कैसे मैं उड़ उड़ के किक मारता हूँ। ये उड़ उड़ के किक मारेगा क्यों? बस भगवान को जान देनी है, तुमने तो पहले देनी है, तो सोच के बोलो। तुमने किसको देनी, कराने वाले को? सभी ने भगवान को देनी है। उसके तो पैसे देने। ये बंदा सिग्नेचर इससे होते ना, सिग्नेचर करता करता स्केच बना देता है। कंपटीशन होगा किसमें? हमारी टीम की तरफ से पिंकी बुआ। अच्छा जी, और आपके? पहले तो वो जाएगा लड़का हमारा। Excuse me. क्या? मुझे जरा बोरी के अंदर जाने में हेल्प करेंगे? बाद में बैठा, इतना तो होना चाहिए। हाँ ठीक से है। सुनिए एक मिनट प्लीज। हाँ बिट्टू, कहाँ तक जाना है भाई? हाँ यहाँ तक आना है आपको, वहाँ तक आना है ना। हाँ, बोरी में डालो अपने आपको। सुनिए एक मिनट, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अच्छा, थोड़ा वहाँ तक जाने के लिए मेरी मदद करेंगे प्लीज? किसी ने पहली बार कहा मुझे। चलो जी, कोई बात नहीं, अंकल जीरो, हम लोग एक पॉइंट से। एक गेम इनकी होगी, अगली गेम कौन सी? ये लो, ये क्या चम्मच ब्रांच पाले? ये क्या करना? जहर लो, एक चम्मच भर के खाओ। ये पकड़ो, नींबू वाली गेम करनी है। अच्छा, अगर किसके मुंह से नींबू गिरा वो हार जाएगा। जाएगा कौन? कौन? मैं और ये अंकल। चलो इनको एक बार मौका दे देते हैं, एक गेम और रखते हैं। हाँ। जो ये जीत गया बाजी उसकी, विनर वो। विनर वो, अब हम नींबू पकड़िए। अब होगा गेम। I love to play games. गेम ये है जी, रुमाल मैं बीच में रखूंगा, आप लोगों को, आप उधर से और आप उधर से स्टार्ट करें। हाँ। दादी जाओ ना। ठीक है, रुमाल मैं यहाँ रख देता हूँ और आप दोनों को ये रुमाल लेके जाना है, जो पहले ले गया वो जीत गया। जैसे किसी के पास पहले से हो तो वो नहीं जीत सकता? नहीं नहीं। अच्छा यही वाला उठाना, ठीक है। अच्छा चलो, जीत के आना। शाबाश शाबाश, अगर हार गई तो उधर निकल जाना। मैं काउंट डाउन करूंगा, ठीक है? ओके बता। 3 2 1 मम्मी मम्मी। Oh!
अपने शो को चार चांद लगा दिया आके लगाए कि नहीं लगाए पाजी बहुत मजा आया शो पे आके और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ पाजी शो का और इतना सारा आप लोगों ने प्यार दिया मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके पूरे देश को आप पे गर्व है और आप ऐसे ही हमारे देश के लिए खेलते रहे और हमारे देश का नाम चमकाते रहे थैंक यू पाजी आई लव यू थैंक यू सो मच For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.